वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और मिस्टर तिहामी जो है वो अपनी वॉच को चेक कर रहे हैं। तिहामी को हमने न्यू वॉच लेके दी है क्योंकि तिहामी की न्यू क्लास है। अभी इसको बैंड कर रहा हूं। हाँ, बैंड उतारा और ये तिहामी ने वॉच ली है। छोटे बच्चों के छोटे छोटे शौक। तो तिहामी का कल इंशाल्लाह स्कूल है, कल इसी क्लास है। अब कुछ सिलसिला ऐसे है कि 3 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने सारे स्कूल्स को टोटली फिजिकल जो है ना वो लर्निंग पे शिफ्ट कर देना है। तिहामी एक दिन जाया करेगा स्कूल और उसके अलावा बाकी 4 डेज जो है वो डिस्टेंस लर्निंग होगी। और बाकी तो आपको पता है हफ्ते में 5 दिन ही स्कूल होता है, बाकी 2 दिन जो है वो ऑफ होते हैं। तो तिहामी के लिए हम ले आए थे ये बैग और ये देखें जी तिहामी का कितना कमाल का बैग है। बाय द वे मुझे लग रहा है इधर लाइटिंग बहुत कम है, मैंने शिलाज़ से कहना लाइट चेंज करवाएं क्योंकि ये आई साइट इसके लिए ठीक नहीं है ना, कम है, बहुत डिम लाइट है, शेडोज नजर आ रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे ना स्कूल कॉलेज वगैरह जाते थे तो अब्बू हर वक्त इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि लाइट बहुत तेज होनी चाहिए ताकि बच्चों की नोटबुक्स पे बच्चों की बुक्स पे शेडोज ना आए तो उनकी आई साइट ना वीक हो। ऑल दो हमारी आई साइट भी वीक थी, बच्चों की हो जाती है पढ़ते पढ़ते, लेकिन पेरेंट्स जो है ना वो बहुत इस चीज़ फिक्र करते हैं। तो वही अभी मुझे भी फील हो रहा है कि इसका ना बहुत वो है, अंधेरा सा लग रहा है मुझे। खैर, बैग मैं आपको दिखाती हूँ जो हम अपने बेटे के लिए लेके आए थे। ये है ट्रॉली बैग और काफी जो है वो बड़े बच्चों वाला साइज है जो कि अच्छी बात है। और काफी सारी पॉकेट्स हैं, इवन अगर लैपटॉप लेके जाना है किसी दिन तो वो भी, लैपटॉप की भी, ये देखो तिहामी लैपटॉप के लिए भी जगह है, है ना। और ये एक आगे वाली पॉकेट ये है और ये मेन सेक्शन है इसका, ये हमने लिया है सेंटर पॉइंट से और ये मेन सेक्शन है। काफी बड़ा बैग है ये, कोई भी कार्ड्स वगैरह थे हम इसमें डाल सकता है। इसमें थे हम अपने पेंसिल या पेन्स रख सकता है और इसमें भी थे हम कुछ रख सकता है स्टफ। और ये भी एक और पॉकेट है, थे हम थाउजेंड्स ऑफ पॉकेट है। और जो सबसे अच्छी बात हमें लगी थी वो ये है कि इसमें थे हम जो है यहाँ पे अपनी जो है ना वो की चेन डाल सकते हैं। घर की जो है ना हम हमेशा थे हम को ही देते होते हैं तो वो थे हम इधर डाल लेगा। तो ये है जी थे हम का बैग और ये भी आगे भी एक पॉकेट है, बहुत सारी पॉकेट्स हैं। अच्छा बैग है आपका मेरे बेटे का? यस, 206 समथिंग। ये है 289 का ये बैग है और ये 289 दिरहम्स का इसलिए है क्योंकि इसके पीछे जो है ना ये है ट्रॉली सिस्टम है। लेकिन अगर ये ड्रैग वाला सिस्टम नहीं चाहिए आपको तो फिर 150 का बैग था ये वाला या 160 का था। सेम जो है ना वो जुरासिक वर्ल्ड वाला जो बैग है ये 100 दिरहम्स कम में। इसी थीम का हम तिहामी के लिए ये पेंसिल बॉक्स लेके आए हैं। सिंपल है लेकिन बड़ा है, खुले साइज का है, इसके अंदर मल्टीपल पॉकेट्स नहीं है तिहामी। ओके। और ये है जी तिहामी का बैग, पेंसिल बॉक्स और लंच बैग। यहाँ पे तिहामी अपने मनी रख सकता है पीछे वाली साइड पे। और ये तिहामी का जो है ये साथ में स्ट्रैप है, ये इसके अंदर से इस तरह से है। और सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि जब तिहामी ने या फिर अगर वैसे इसको ओपन कर भी लें तो ये स्ट्रैप आप इसको छोटा कर सकते हो, है ना। तो ये देखें इजी हो जाएगा इसके लिए कि यहाँ पे डाल के इस तरह से इसको कैरी कर सकता है। 1 और 2 और देखें और कितना है, हाँ ये 3 स्टेप्स है इसमें। मजे की मैं आपको बात बताऊं कि तिहामी ने इतनी वहां पे बहस की कि तिहामी को ये जो है ना ये ट्रॉली सिस्टम नहीं चाहिए क्योंकि उसे ये था, इसका जो स्कूल है वो 1 स्टोरी है उसकी, मैंने समझा था सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे, जाके देखा तो 1st फ्लोर भी है। तो ये कह रहा था कि मैं पहले भी जिन स्कूल में भी जाता हूँ मेरे ट्रॉली को जो है ना ऐसे पुल करना बहुत मुश्किल होता है, मैं पीछे पहनता हूँ तो हैवी हो जाती है। ये बैग जो है जाहिर है ये हैवी है नॉर्मल बैग से जिसमें ट्रॉली नहीं है, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि अभी इसकी बड़ी क्लास है, इसकी बुक्स भी ज्यादा है, इसका सिलेबस काफी ज्यादा है, सब्जेक्ट्स वगैरह की बुक्स 2-2, 3-3 अब मुझे नहीं पता स्केड्यूल के हिसाब से कितनी लेके जानी होंगी, लेकिन ज्यादा इजी ये है कि शोल्डर्स पे बर्डन ना पड़े, देख के ना है ना काटने ना। ये है जी मेरे बेटे की आई बुक्स। मैं आपको बताती हूँ सऊदी अरब के और यूएई के स्कूल सिस्टम में क्या फर्क अभी तक मैंने देखा है। एजुकेशन यहाँ पे बहुत बहुत हाई क्लास है, जेम्स की वाकई, अगर सारे लोग कहते हैं ना कि जेम्स में आपका बच्चा जाना चाहिए
तो बहुत सॉलिड रीजन है, बहुत ही कमाल की स्टडीज थी. और फिर जो है माइनक्राफ्ट कंपटीशन है, इंटरनेशनल मैथ्स कंपटीशन है, मेंटल मैथ कंपटीशन है, यू आल्सो कंपीट विद द वर्ल्ड. हाँ, फिर वो जो है वर्ल्ड रीडिंग कंपटीशन, पता नहीं क्या क्या कुछ था जो लास्ट ईयर. इतनी सारी चीजें ये नहीं पार्टिसिपेट कर सका क्योंकि इसको जल्दी जल्दी से अपना कोर्स कवर करना था, क्योंकि एक दो महीने ही इसको मिले तो इसने एग्जाम देना था. तो इस साल इंशाल्लाह साथ साथ चलेगा तो सब कुछ करेगा. सिर्फ नोटबुक से 30,000 है तो ये सारी नहीं लेके जाने चाहिए. जो जो सब्जेक्ट होगा पूरे दिन में हार्डली इसके 5-6 सब्जेक्ट है, वही जैसे हर स्कूल में होता है. ऑप्शंस जो है ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में दो ऑप्शन होते हैं, फ्रेंच या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज, और हामी के केस में वो उर्दू है. तो हम लोगों ने हमेशा से इसकी फ्रेंच चूज किया. उसकी वजह ये है कि कुरान पाक पढ़ने की वजह से इसको उर्दू वैसे भी काफी हद तक पढ़नी आती है, और दूसरा ये कि उर्दू की बुक्स हम भी इसके साथ जो है वो स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं. तो पढ़ना लिखना बेसिक सा आए तो वो मेरी नजर में. अब मुझे पता है बहुत से लोग इस बात पर डिसएग्री करेंगे, बहुत सारी डिबेट कॉमेंट सेक्शन भर जाएगा. कोई बात नहीं, डिसेंट वे में जो मर्जी डिबेट करें, जरूरी नहीं कि आप मेरी हर बात से एग्री करें और बस मैं ही सही हूं और आप सारे गलत हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकता है, मेरा गलत हो सकता है, बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू फॉर माय ओन चाइल्ड. मुझे ऐसे लगता है कि बस रीडिंग राइटिंग जो है वो आनी बहुत जरूरी है उर्दू, लेकिन वो इतनी इतनी जो बड़ी तशरी, इतने इतने बड़े मजमून और इतनी इतनी बड़ी नज्में और ये और वो हमें लिखना इतना अजाब लगता था. जब मैं 9th में थी तब आके मैंने तशरी वगैरह खुद करनी शुरू की थी, वरना ग्रेड 8 तक मैं सारा कुछ अम्मी से करवाती थी. इतना मुश्किल लगता था. तो आजकल के बच्चों के लिए तो वैसे ही और भी मुश्किल होता है. तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उसकी रीडिंग राइटिंग मेरी जिम्मेदारी है कि उसको आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो पाकिस्तानी है, उसे पाकिस्तान में रीडिंग राइटिंग के साथ सारी जिंदगी डील करना है, तो वो उसको आनी चाहिए. लेकिन मजमून लिखने, तशरीह लिखनी, ये करना वो करना, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. तो इस वजह से हमने फ्रेंच रखवा दिए. फ्रेंच उसको हमेशा से पसंद भी है, और जब से day 1 से वो एडमिट हुआ स्कूल में तो जब भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आए वो फ्रेंच ही पढ़ता आ रहा है. So, ये मेरी रीजन है फ्रेंच के ऊपर. आपका पासवर्ड चेंज हो रहा है क्योंकि लैपटॉप भी लेके जाना है बैग में. और मैं तिहामी बेटा, मैं ना आपकी एक काम करती हूँ कि नोटबुक सारी से मिल देती हूँ और आपसे ना पेंसिल बॉक्स प्रिपेयर कर देती हूँ. ठीक है. आई थिंक इस दफा तो आपके पेन भी यूज होंगे, है ना? आई डोंट थिंक आपकी पेंसिल लगेगी. आई थिंक पेंसिल ही यूज. लिटरली बहुत सारे दिनों के बाद, महीनों के बाद ये दिन आया है कि तिहामी स्कूल जा रहा है. 2020 अप्रैल में कोरोना स्टार्ट हो गया था और बच्चों को जो है वो डिस्टेंट लर्निंग पे शिफ्ट कर दिया गया था हर कंट्री में ही. और यहाँ पे ये वाला जो इसका स्कूल था इसमें डिस्टेंट लर्निंग भी थी और साथ में ब्लेंडेड लर्निंग भी थी, जिसमें एक दिन आप जाते हैं स्कूल और बाकी 4 दिन आप घर पर पढ़ते हैं ऑनलाइन. तो हमने लास्ट ईयर किया था, इस बार हमने अब किया है. तो बाकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे. और तिहामी के लिए लैपटॉप भी पैक कर दिया कि शायद इसकी ज़रूरत हो, लेकिन वहाँ जाके तो ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो बहरहाल उसका स्कूल का बैग रेडी हो गया था. ये मेरा फेवरेट काम होता है एवरी ईयर. चलिए जी, अब मैं आपको एक बताती हूँ बहुत मज़े की बात, और मैं दोबारा आ गई. वो बात ये है कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है 6, ठीक है. और ये मेरे लिए बहुत ही, मतलब अभी तक मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है कि तिहामी ईयर 6 में आ भी गया है. और तिहामी तो बच्चा है, वो तो खुश है, एंजॉय कर रहा है कि जी मेरा तो बड़ी क्लास हो गई है और मैं ये मैं वो. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ ही सालों में इसका जो है वो लेवल स्टार्ट हो जाएगा. तो मतलब इतनी जल्दी बड़ा हो गया, जबकि पिछले साल ग्रेड 4 में था वो, अभी 6 में कैसे आ गया. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ. ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी. जो यूएई के बारे में इतना नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ, आप बाकी जो यहाँ रहते हैं उनको तो आइडिया है ही. यूएई में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे दुबई है एक स्टेट, एक अबू धाबी है, एक शारजा है, एक अजमान है, तो इन सब के अपने अपने रूल्स हैं, अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज हैं, अपनी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है. तो जो शारजा में रूल्स हैं वो वही सेम हैं जो सऊदी अरब में रूल्स हैं. एजुकेशन की बात कर रही हूँ. अजमान में भी सऊदी अरब वाले सेम रूल्स हैं, जबकि दुबई में रूल्स डिफरेंट हैं. अच्छा, अब जब तिहामी 2020 अप्रैल में कोरोना की वजह से बच्चों को छुट्टियां दे दी गई थी, तो नया नया कोरोना हर जगह फैल गया था एकदम से, तो उस वक्त तिहामी ग्रेड 3 में पढ़ रहा था. तो उसका जून में 2020 में ग्रेड खत्म हुआ, ग्रेड 3, फिर छुट्टियां आ गई, फिर उसका 2020 के सितंबर में उसका ग्रेड 4 स्टार्ट हुआ, ठीक है. नवंबर में हम लोग जो है वो यहां आ गए शारजा. तो यानी ग्रेड 4 से वो
पढ़ता हुआ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे शारजा आ गया। अच्छा, तो अब जब हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता की तो समझ में आया कि यहाँ पे डिफरेंट रूल्स हैं दोनों स्टेट्स के। अगर हम दुबई भेजते हैं तो उसका एक साल आगे काउंट होगा, अगर हम शारजा भेजते हैं तो फिर वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा ग्रेड फोर में ही। अच्छा, अब लेकिन शारजा में जो स्कूल हमें पसंद था उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे का जो है वो आपके विजिट वीजा हमारे की वजह से ना तकरीबन 5 मंथ्स का गैप आया था। यहाँ पे जो बिजनेस वीजा है वो तो मिलने में हफ्ते या डेढ़ से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हमारी अपनी कुछ चीजें थी जिस वजह से इतना डिले हुआ। अच्छा खैर जी, तो शारजा ने तो हमें लिफ्ट नहीं, शारजा वाले स्कूल ने तो हमें लिफ्ट नहीं कराई, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने दुबई के स्कूल्स में ट्राई किया और शारजा वाले भी जेम्स की ब्रांच थी, उन्होंने हमें ये दुबई वाला रेकमेंड किया कि ये भी जेम्स की ब्रांच है लेकिन ये एडमिशन ले लेंगे तो आप यहाँ पे चले जाएं। अच्छा, अब हम यहाँ पे गए हैं तो उन्होंने हमें बताया कि आपके बच्चे का ग्रेड फोर जो है ना वो हमारे ईयर फाइव के इक्विवेलेंट बनता है और कोर्स मटेरियल सेम होता है लेकिन ईयर फाइव है, तो जाहिर है वो ईयर फाइव में। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों, वो बाद में बताती हूँ। हमने इसका एडमिशन करवा दिया और अभी इसने जो पढ़ा था, जो आप देखते थे कि पढ़ाई हो रही है बेचारा जल्दी जल्दी से तैयारियां कर रहा है, तो उसने ईयर फाइव का एग्जाम दिया और फिर छुट्टियां हुई हैं, फिर हम पाकिस्तान चले गए और अभी हम वापस आए हैं, तो उसका ईयर सिक्स स्टार्ट हुआ है। जबकि अगर वो सऊदी अरब में होता तो उसका ग्रेड फाइव स्टार्ट होना था। ठीक है, अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, बहुत सिंपल स्टोरी है, ये मैं साइड पे स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया यूएई के हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन में भी रूल्स डिफरेंट हैं। शारजा में क्या है कि ग्रेड वन से पहले 3 साल होते हैं, एक प्री स्कूल जैसे होता है नर्सरी, एक वो है, फिर एक केजी वन है, एक केजी टू है। ठीक है, सऊदी अरब में भी ऐसे ही था, सऊदी अरब में केजी वन, केजी टू, केजी थ्री नाम डिफरेंट होते हैं लेकिन ईयर जो फर्स्ट ईयर होता है ना, यानी कि क्लास वन, उससे पहले 3 साल की प्रॉपर स्टडीज होती है, उससे पहले प्ले ग्रुप और ये वो आप बच्चे को जो है 2-2.5 साल पे एडमिट करा दें। तो ग्रेड वन से पहले 3 साल है उधर, इधर भी ग्रेड वन से पहले शारजा में भी 3 साल है। ठीक है, ये आप स्क्रीन शॉट देख रहे हैं, जबकि दुबई में ग्रेड वन से पहले 2 साल है। इस तरह से आप ये देखते जाएं, मैं स्क्रॉल कर रही हूं, आप ये देखते जाएं कि जिस वक्त शारजा का ग्रेड वन बनता है उस वक्त ऑलरेडी दुबई का ईयर टू हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह करते करते जब ये तिहामी ग्रेड फाइव में इस वक्त उसको होना चाहिए था तो ये जो दुबई है इसका ईयर सिक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये वजह है और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मुझे समझ में शुरू में जब लोग वर्बली मुझे बताते थे तो मुझे समझ नहीं आता था, फिर जब इसका एडमिशन हुआ तो उन लोगों ने एक्सप्लेन किया तो ये प्रोसेस समझ में आया। तो मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है और एक अजीब गरीब सी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपसे भी ज़रूर शेयर करूँ। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे फिर ऐसे भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान में थे ना तो वहाँ पे बहुत से हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह के बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि अक्सर जो है वो 8-9 साल का बच्चा भी क्लास वन में बैठा होता है, या ये कि कई दफ़ा जो है वो 3-3 साल के बच्चे डायरेक्ट क्लास वन में बिठा के पढ़ाने की कोशिश हो रही होती है। तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ जिस वजह से किसी भी एज में आप बच्चे को किसी भी क्लास में करा लेते हैं, वहाँ पे तो ईयर्स भी आराम से स्किप करा दिए, बच्चा बड़ी एज में एडमिट करा, चलो जी 2 साल स्किप करा लो, 1 साल स्किप करा लो। यहाँ पे इस तरह नहीं होता, सऊदीया में भी नहीं होता था, यहाँ पे भी नहीं होता था। एक एज होती है जिसके अंदर आपने उस बच्चे को एडमिशन करवाना है, उस एज से ऊपर नीचे होंगे तो क्लास ही ऊपर नीचे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तिहामी जो है ना ईयर सिक्स में, 10 से 11 साल के बच्चे ईयर सिक्स में एडमिट हो सकते हैं, तो अभी तिहामी का ईयर सिक्स स्टार्ट हुआ है तो तिहामी फरवरी के एंड पे 10 साल का हुआ था, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि कह लें कि 10.5 साल का है तो वो ग्रेड सिक्स में फॉल कर रहा है। लेकिन अगर वो यही 11.5 साल का होता तो उसको ईयर सेवन होना था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि किसी भी एज में किसी भी क्लास में डाल दें, एज बिल्कुल उसी हिसाब से उसी एज में, यानी कि आपको ईयर सिक्स में जो भी बच्चा नजर आएगा वो 10 से 11 साल का है। अच्छा, अब ये चीज मुझे मिशारी के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, मिशारी के लिए प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा है कि मिशारी जो है वो अभी उसको 4 ईयर्स के होने में इंशाल्लाह 2 महीने बाकी हैं और ये वाला एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया। तो जिन स्कूल्स में हमने 2-3 स्कूल्स में इसके लिए पता किया था और वो कहते हैं कि जी 4 ईयर्स से अबव बच्चा जो है वो FS1 में हम कर सकते हैं, तो अब ये 4 ईयर्स का तो नहीं है तो वो मेरी समझ से बाहर है कि हम क्या करें। तो मैं सोची थी इसे किसी प्ले ग्रुप में करा दूं, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये भी मशवरा दिया है कि जब ये 4 ईयर्स क्रॉस कर जाए तो उस वक्त ट्राई करो, हो सकता है कोई स्कूल कर ले, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं होता, मिनिस्ट्री के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो अगर ऐसा होता है तो मुझे प्लीज बताएं, क्योंकि जिन भी स्कूल्स में गए हैं उन्होंने कहा है कि जी नहीं, एक स्कूल में तो शहजाद ने इतनी मिन्नतें की, शहजाद ने कहा सिर्फ 2 मंथ्स का डिफरेंस है, ये 4 साल का हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एकेडमिक ईयर
उसको 4 ईयर्स टच कर जाने चाहिए। और कई लोग तो हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जिनका 1 वीक रह गया होता है बच्चों का, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या करें। तो हमें इस वक्त ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है, तो 4 ईयर्स का नहीं है मिशारी, तो ऑफिशियली इसको जो है ना प्रॉपर स्कूल में तो नहीं करवा सकते, लेकिन प्ले ग्रुप, नर्सरीज वगैरह, उनमें ऑब्वियसली इसकी एज है। तो मैं फिर इसलिए कोई देख रही हूँ, आप मुझे बताएं कोई शारजा में कॉर्निश के करीब कोई अच्छी नर्सरीज प्ले ग्रुप्स वगैरह हैं तो मैं इसमें कराऊँ उसको एडमिट, और फिर उसके बाद जब ये 4 ईयर्स इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये FS1 में होगा। अब आप ये देखें ना कि जो मैं अभी आपको एज का बता रही थी, FS1 के लिए एज है 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो अभी उसको एडमिशन नहीं दे रहे FS1 में क्योंकि वो 4 से कम है, लेकिन जिस वक्त अगला साल होगा तो वो ऑलमोस्ट 5 का होने वाला होगा, यानी कि 4 ईयर्स and 10 मंथ्स का होगा, लेकिन वो उस एज ग्रुप में फॉल करेगा, तो FS1 में उसका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ पे एज अप्रोप्रिएट एडमिशन्स होते हैं, कि ऐसे नहीं है कि किसी भी एज में किसी भी क्लास में डाल दें। तो बहुत मुश्किल था ये समझना मेरे लिए, और आई होप मैं आपको ठीक से समझा सकी हूँ, माशाल्लाह आप सब समझदार हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना गंदा है और मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी फजूल है इन मामलों में कि मुझे नहीं पता आपको समझ आई है नहीं। समझ आ गई तो अच्छी बात है, समझ नहीं आई तो आई एम रियली सॉरी, मुझे सही से समझाना नहीं। तो ये थी जी एक बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन एक वियर्ड सी इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ के स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। तो बस अभी आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा मिल लेती हूँ, और ये अभी मैंने जो है ना वीकेंड पे बैठ के थे हामी के, ये सारे कवर भी करनी है, नोटबुक्स और बुक्स वगैरह, तो वो भी काम काफ़ी लंबा होगा। वालेकुम सलाम जान, टाइम बिल्कुल नहीं होगा नहीं होता, मैं तो रोज ब्रश करती हूँ, आपको ऐसे ही लगता है। थोड़ा तो पेस्ट लगाओ ना, थोड़ा लगाओ, और दूसरी बात 6 टाइम हो गया ना, 6:30 तक तो आपको स्कूल से निकलना है। अच्छा दूसरी बात, जल्दी से गुस्से में जाना ना, दो फर्ज भी पढ़ के जाना, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे, ठीक है। जल्दी से मेरा बेटा फास्ट, आपको बात हो तो जल्दी से, मैंने अपने ग्लासेस खोल के रखे हुए, उसके अंदर रखे हुए थे क्या जो हम बटन होता है ना बिल्कुल उसी तरह जैसे तेहामी के लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि वो स्कूल जा रहे हैं, मेरे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट की बात है कि मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, उसका लंच बॉक्स, लंच बैग, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये टाइम मिशी के लिए भी आएगा। अल्लाह ताला सारे बच्चों को हर तरह की खुशियाँ और कामयाबियाँ दे, जैसा बच्चे चाहते हैं उनकी ज़िंदियाँ वैसी ही हों, और जैसे उनके वालदैन चाहते हैं वैसी उनकी ज़िंदियाँ हों, आमीन सुम आमीन। तो तेहामी के लिए मैं फ्रेंच रोस्ट बनाई थी उसी की फरमाइश पर, मैं इंशाल्लाह बहुत डिफरेंट डिफरेंट से मज़े मज़े की उसके लिए बनाया करूंगी स्नैक्स, और मैं आपसे जरूर शेयर किया करूंगी जब भी मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगी। तो फिलहाल के लिए ये था कि फर्स्ट डे था, तो मैंने उसे पूछा था वो क्या खाएगा, और उसने बोला था कि वो बस फ्रेंच टोस्ट खाएगा। साथ में उसने कहा था कि उसे पैसे भी चाहिए क्योंकि वो कैंटीन को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन मेरा डाउट था कि कैंटीन नहीं ओपन करेंगे, और ऐसा ही हुआ था, कैंटीन नहीं ओपन थी। सो मैंने लंच बॉक्स उसे प्रिपेयर करके दिया हुआ था, तो उसने वही सारा खाया था। तेहामी का जो यूनिफॉर्म है वो हमें इंशाल्लाह संडे को मिलेगा, और इस वजह से बगैर यूनिफॉर्म के गया, वैसे भी वीक में एक ही दिन जाना है, जब नेक्स्ट वीक जाएगा तो इंशाल्लाह यूनिफॉर्म होगा। वॉच और शूज़ हमने इसको ले दिए थे, बस यूनिफॉर्म अब रह गया। मुझे याद है अपने बचपन का टाइम के नया दिन होता था, मतलब फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता था, तो न्यू बैग, न्यू बुक्स, न्यू पेंसिल, इरेजर, रूलर तक सारी चीज़ें नई होनी चाहिए होती थी, और शूज़, और इतनी खुशी होती थी रात में अपने जो अम्मी जब कपड़े वगैरह प्रेस करके रखती
लगती थी, तो हम उसके साथ अपने शूज, अपनी सॉक्स, बैग, हर नई चीज हम लोग इकट्ठी करके रखते थे, बड़ा मजा आता था। तो वही अब इन बच्चों के ऊपर टाइम है कि इनकी एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। तो मैंने साथ में थे हामी को थोड़ा सा फ्रूट भी दिया था, जो कि आई बिलीव के बहुत जरूरी होता है, फ्रूट या वेजिटेबल कोई भी जो बच्चे खा सकते हैं ना, तो वो उनको दें, ताकि फाइबर होता है ना तो उनका पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है। और साथ में मैंने आमंड्स वगैरह दे दिए थे, और साथ में मैंने फ्रेंच टोस्ट रख दिए थे। और हामी को सिर्फ एक ही लंच ब्रेक होती है, तो उसमें उतना सा ही दिया करूंगी जितना सा वो फिनिश कर सके। बाय द वे, ये आपको जो भी ये ब्रश और ये सारे जो चम्मच वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये ब्रांड न्यू चीज़ें हैं, ये मैंने कार्टन में से निकाल के रखी हुई हैं। ये वो चीज़ें जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो मैंने वीडियो में ऐड करनी थी, इस वजह से ये मैंने यहीं रखी हुई हैं। तो ये है जी इसका लंच, और लंच इसका तैयार हो गया है, लंच बैग में मैंने डाल दिया है। साथ में इसके लिए मैंने एक जूस रख दिया है, और बस ये इसका लंच था। साथ में मैंने इसको 10 दिरहम्स दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 1-2 दिरहम्स वाली चीज़ें मिलती होंगी या 3-4 वाली मिलती होंगी। मैंने सोचा बच्चे मोस्टली सऊदीया में स्कूल्स में पिज्ज़ा वगैरह लेके खाता था, जब इसको मैं पैसे दिया करती थी तो वीक में एक दफ़ा इसे मिलते थे। तो लेकिन यह है कि 10 दिए थे, सारे के सारे वापस आ गए, एक हिसाब में बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लंच ही खाएँ। ब्रेकफास्ट के लिए थे हामी का कुछ बना के खाने का मूड नहीं था, और मेरा प्लान था कि मैं उसे एग वगैरह बना के देती, सैंडविच बना देती, खा लेता, साथ में मिल्क पी लेता, लेकिन उसने बोला कि बस वो कुछ लाइट सा खाना चाहता है, तो बनाना दे दिया मैंने, साथ में ग्लास ऑफ मिल्क दे दिया। तो बनाना यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज का होता है, तो उसका गुजारा कह रहा था कि मामा 2 आवर्स तक मुझे भूख नहीं लगी, उसके थोड़ी देर बाद भूख लगना शुरू हुई तो लंच ब्रेक आ गई थी। तो ये भी अच्छा है, लेकिन यह कि इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं आदत डाल दूंगी। इतने टाइम से जाहिर है बच्चे स्कूल नहीं जाते, इतनी अर्ली मॉर्निंग के अब खाने की आदत खत्म हो गई, लेकिन ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, बहुत ही जरूरी होता है। और जो आदतें छोटे होते से पड़ जाए ना बच्चों को, तो वही सारी जिंदगी रहती हैं। तो इसलिए मैं इसी ब्रेकफास्ट की हैबिट छूटने नहीं कभी देती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं होममेड ब्रेकफास्ट पे ले आऊंगी, मतलब इस तरह से थोड़ा बहुत खा के जाएगा तो भूख लगेगी, फिर अच्छी तरह से क्लास में ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, थका रहेगा ये। एनीवेज यहाँ पे हो रहा है जी जाने का टाइम, और मैं साथ में जो है वो थे हामी से बनाना और मिल्क फिनिश नहीं हुआ था, तो मैंने साथ कार में भेज दिया था, और बस मैं उसे मिल रही हूँ। थोड़ी सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने बिहेव करना है, टीचर की बात सुननी है, बच्चों को फ्रेंड बनाना है, किसी बच्चे की शिकायत टीचर को नहीं लगानी है, और बस सबके साथ फ्रेंडली और अच्छा रहना है। ये 2-4 इन्फॉर्मेशन होती है। साथ में जो है वो COVID-19 के जो रूल्स थे दोबारा वो समझा दिए थे, उसके साथ में हैंड सैनिटाइजर और साथ में स्पेयर मास्क जो है वो भी मैंने रख दिए थे। तो वीडियो हो गई है एंड, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाकी के मैं आपको क्लिप्स दिखा दूंगी। अच्छा भी लग रहा था, थोड़ी सी उदासी भी हो रही थी, तो चलें वीडियो काफी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।